आज मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ इन सिटिंग पोजिशन, यानी आप चेयर के ऊपर बैठ के कर सकते हैं, स्टूल के ऊपर बैठ के कर सकते हैं। ये आपके टमी को टाइट करेंगी, आपके पोस्चर को ठीक करेंगी, अगर आपको बैक पेन रहता है तो उससे भी आपको छुटकारा दिलवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो ऑफिस वर्क होता है या हम ज्यादातर बैठ के जो काम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा पोस्चर खराब होने लगता है। जैसे ही हमारा पोस्चर खराब होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। मसल्स वीक होने की वजह से जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, निचले वाले हिस्से के ऑर्गन्स, उनकी पकड़ ढीली हो जाती है मसल्स से, जिससे वे ऑर्गन्स अपनी जगह से खिसकने शुरू हो जाते हैं, यानी खिसक जाते हैं हल्का सा। खिसकने की वजह से क्या होता है कि आपको पेन होगा, जैसे हमारी स्पाइन होती है, हमारी स्पाइन के अराउंड जो मसल्स होते हैं, लेकिन अगर वो किसी भी वजह से, हमारे बैड पोस्चर की वजह से या किसी भी वजह से अगर वो वीक पड़ जाते हैं, मसल्स स्पाइन के ऊपर पकड़ ढीली कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होने लगता है। या फिर अगर आप इस तरह स्लाउच करके बैठते हैं और घंटों ऐसे बैठे रहते हैं, उससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म वीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके जो मसल्स है वो वीक हो चुके हैं आपके बैड पोस्चर की वजह से। आपका मेटाबॉलिज्म शुरू होगा तो क्या होगा, आपका पेट फूलना शुरू हो जाएगा, आपको खाना हजम नहीं होगा, गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, और इसके साथ ही साथ आपका पेट जो है बाहर की तरफ दिखाई देने लगा। आपका पोस्चर तो गड़बड़ होगा ही, पेट आपका बाहर की तरफ दिखाई देगा, और आप ये देखोगे कि किसी दिन आपने खाना ना भी खाया हो तो भी आपका पेट बाहर ही रहेगा। आप कहोगे अरे ये फैट कहाँ से आ गया, मेरा पेट बड़ा हो गया, मुझे कुछ करना चाहिए। तो आप कब सोचते हैं और फिर एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको बैक पेन होने लगता है और इसी चक्कर में आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, क्योंकि आप सोचते हैं अरे यार मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा बैक पेन बढ़ जाएगा, सारा काम मेरा ऐसे ही रह जाएगा। तो छोड़ो यार, कौन करता है एक्सरसाइज। और ऐसा करते करते आप देखते हैं कि पूरी बॉडी आपकी खराब होने लगती है, फैट जमा होने लगता है और पेट इतना बड़ा हो जाता है। तो जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले हम चेक करेंगे जिन जिन लोगों के मसल्स वीक है, तो चेक कैसे करना है कि आपके मसल्स वीक है या नहीं है, तो सबसे पहले चेक करेंगे। उसके बाद मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगी, सिटिंग पोजीशन में एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जो आपके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है, आपको उछलना कूदना नहीं है जिससे आपका बैक पेन बढ़ जाए। इससे क्या होगा, सिटिंग पोजिशन में जो एक्सरसाइज हम करेंगे आपका पोस्चर भी ठीक होगा, आपके मसल स्ट्रेंथन होंगे, सबसे पहले आपके मसल स्ट्रेंथन होंगे, और इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई होना शुरू हो जाए, आपके जो ऑर्गन्स अपनी जगह से खिसक चुके थे जिसकी वजह से आपका पेन बढ़ रहा है वो अपनी जगह पे आने शुरू हो जाएंगे, अपनी जगह पे एकदम से फिक्स हो जाएंगे। आपके मसल्स स्ट्रेंथन होंगे तो आपका जो टमी है पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी एकदम फिक्स हो जाएगी, टमी एकदम टाइट हो जाएगा। तो सबसे पहले कैसे चेक करेंगे, देखिए जब आप चेयर के ऊपर बैठते हैं, इस तरीके से आप बैठते हैं, तो आपने कभी इस तरीके से करके देखा है, ऐसे करके देखिए आप इस पोजीशन में कितनी देर रुक पाते हैं। कुछ लोग तो कर ही नहीं पाएंगे, कुछ लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, झट से उनकी लैग ऐसे हो जाएगी। और कुछ लोग, आप ये चेक करना कि आप कितने सेकंड के लिए रुक पाते हैं या आपको पेन बढ़ जाता है, तो इसका मतलब आपके मसल्स वीक हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए या तो आपको एक छोटी बॉल हो वो लेनी है या फिर एक टॉवल का यूज भी कर सकते हैं, हम सबके घर में टॉवल होता ही है, लेकिन सबसे पहले अपने मसल्स को स्ट्रेच कर लेते हैं ताकि आपको पेन फील ना हो। तो मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए एक लेग को दूसरी लेग के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और ये आपको बैठ के ही करना है, जहां आप कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं वहां उस तरीके से आपको बैठ जाना है। अब एक हाथ को आप अपने नी के ऊपर रखना है और दूसरा हाथ आपका साइड में रहेगा। अब आपको धीरे धीरे आगे की तरफ बैंड होना है इस तरीके से, धीरे धीरे आपको ये स्ट्रेच फील करना है, जितना भी आप बैंड हो सकते हैं उतना आगे की तरफ आपको बैंड होना है। कुछ सेकंड के लिए इस पोजीशन में रुकेंगे और इस तरीके से आपको कंटिन्यू 2 से 3 बार ये स्टेप आपको फॉलो करना है, इस तरीके से आगे जाना है। मैं आप थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, आपको धीरे धीरे करना है ये चीज इस तरीके से। अब ऐसे ही करेंगे सेकेंड लेग से, कमर बिल्कुल सीधी रखनी है आपको, स्लाउच नहीं करना है। धीरे धीरे अब जैसे हम वापस आ गए और फिर कुछ देर रुकने के बाद, कुछ सेकंड रेस्ट करने के बाद वापस फिर से ऐसे ही। ये हमारे जो पेल्विस एरिया के मसल्स हैं हम उनको स्ट्रेच कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले हमेशा हम वार्म अप करते हैं,
बॉडी को गर्म करते हैं या फिर स्ट्रेच करते हैं, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। अब हम अपने टॉवल का यूज करेंगे, अच्छी तरह से इसको आपको रोल कर लेना है ताकि ये खुले ना। अब आपको अपनी लेग्स के बीच में इस तरीके से रख लीजिए और इसको पकड़ना है ताकि ये नीचे ना गिर जाए, तो आपको पकड़ के रखना है अपनी लेग्स से, यानी आपके लेग्स के मसल्स भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस तरीके से एक हाथ हम ऊपर ले जाएंगे, ऐसे पूरा ऐसे, जितना आप इस साइड में स्ट्रेच फील करेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, इस तरीके से। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, जितना भी आप मैक्सिमम इस पोजीशन में रुक सकते हैं उतना रुकने की कोशिश करेंगे, धीरे से वापस आएंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड पूरा, जितना आप स्ट्रेच फील कर सकते हैं उतना आपको दूसरी साइड में अपने हैंड को ले जाना है। फिर से दूसरे हाथ से करना है, ये जो एक्सरसाइज है पहली एक्सरसाइज है, तो 5 बार इधर इस साइड करेंगे और 5 बार हम जो दूसरी साइड है 5 बार दूसरी साइड करेंगे इस तरीके से, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सेकंड एक्सरसाइज में कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, हाथों को इस तरीके से लाना है, पहले आगे लाना है, हल्का सा पेट को अंदर खींचना है, इस तरीके से अंदर जाना है, ऐसे नहीं करना है, पेट को अंदर खींच के इस तरीके से बेंड करना है और फिर उसके बाद सांस लेते हुए ऐसे, सांस छोड़ते हुए ऐसे, सांस लेते हुए ऐसे, पूरा अपने जो हमारी ये बॉडी होती है उसको पूरा एक्सपेंड करना है, खोलना है इस तरीके से सांस भरते हुए। और ये भी आपको कम से कम 10 बार करना है, जैसे मैं अंदर की तरफ आती हूँ, अपने हाथों को लाती हूँ और फिर बार खोलती हूँ, ये मेरा एक हो गया। और इसी तरीके से ये मेरा दूसरा हो गया, तो इस तरीके से आपको 10 रेपिटेशन करने हैं। थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से अपने हाथ रखने हैं, ऐसे ऊपर ले जाना है, जब आपके हाथ नीचे आएंगे पूरा आपकी जो बॉडी है आपकी अपर बॉडी उसको टाइट रखना है, पूरा टाइट रखना, ढीला नहीं छोड़ना नीचे की तरफ, ऐसे स्लाउच नहीं करना है, पूरा टाइट करके रखना है आपको, तभी तो आपके मसल स्ट्रोंग बनेंगे, तभी तो बॉडी पोस्चर ठीक होगा, बॉडी पोस्चर ठीक होगा, मसल्स स्ट्रोंग होंगे, तभी आपकी बॉडी में सुधार आना शुरू होगा, फैट कम होना शुरू होगा, आपकी स्किन टाइट होनी शुरू होगी। तो ये चीज बहुत जरूरी है, सबसे पहले अपने मसल्स को स्ट्रोंग करना, स्ट्रेंथन करना। ये भी कम से कम एक बार में आपको 10 रेपिटेशन करने हैं और 3 सेट आपको जरूर करने चाहिए एक टाइम पे। अगर आप एक टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के समय कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है तभी आप कर सकते हैं, यानी दिन में आप 2 टाइम जरूर करिए और फिर देखेंगे कि आपका जो बॉडी पोस्चर है वो भी ठीक होगा और टमी एकदम टाइट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको अपना अपोजिट हैंड अपने दूसरे नी के साइड में रखना है, इस तरीके से रखना है। अब आपको क्या करना है, एक हाथ को अपना पीछे ले जाना है इस तरीके से, फिर वापस आना है, फिर पीछे ले जाना है, कुछ लोगों को थोड़ा स्टिफ लग सकता है, पेन भी थोड़ा फील हो सकता है, लेकिन उसे डरने की जरूरत नहीं, हल्का पेन फील होता है, स्टिफनेस लगती है,
तो उससे आप बिल्कुल मत डरिए, अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए, धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, और फिर देखना आपकी बॉडी कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म होती है, कितनी जल्दी बदलती है। और इसी तरीके से आपको 10 रेपिटेशन एक साइड में करनी है। आप सेकंड हैंड को अपने दूसरे नी के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और ऐसे ही करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कमेंट करके ये पूछते रहते हैं कि मैम ये एक्सरसाइज से इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको हर तरह की एक्सरसाइज बताती हूँ, आप सारी एक्सरसाइज करके देखिए। हो सकता है कुछ एक्सरसाइज में आपका जो पेन है वो बढ़ जाए तो उसको छोड़ दीजिए, कुछ एक्सरसाइज में स्टिफनेस होती है, खाली स्टिफनेस का पेन होता है, दुखन होती है, तो वो एक्सरसाइज अच्छी है आपके लिए, आप करते रहिए। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि असर होगा नहीं, रिजल्ट मिलेगा या नहीं, जो लोग पूछते, देखिए मैं आपको एक ही एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जब रस्सी की रगड़ पत्थर के ऊपर पड़ती है, जो लोग कुएं से पानी निकालते हैं, तो कुछ सालों के बाद वो पत्थर घिस जाता है। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम एकदम अच्छे मन से ईमानदारी के साथ कोई चीज करना शुरू करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें हमेशा मिलता है, चाहे थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन रिजल्ट हमेशा मिलता है, हर चीज का मिलता है। आप मेहनत करके देखिए, आप छोटे लेवल से शुरू करिए, धीरे धीरे बड़े लेवल पे अपने आप पहुंच जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। तो मैंने बता दिया 10-10 रेपिटेशन ईच साइड में आपको करना है, हर एक साइड में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने हाथों को ऊपर उठाना है और धीरे से साइड में मूव करना है, इस तरीके से जितना आप कर सकते हैं। फिर दूसरी साइड में, जो लोग मोटे ज्यादा होते हैं तो वो अच्छे वाली चेयर के ऊपर बैठ के करें, स्टूल आदि के ऊपर ना बैठे, हो सकता है गिर भी सकते हैं क्योंकि आपको आदत नहीं होती। जिन लोगों को आदत नहीं है एक्सरसाइज करने की, तो इसलिए वो ढंग से बैठ के ढंग से एक्सरसाइज करें, जरूर इफेक्ट होगा। तो फ्रेंड, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरीके से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको टमी टाइट करना है, बॉडी पोस्चर ठीक करना है, इसके साथ ही आपके मसल्स स्टिफ रहते हैं, पेन बढ़ा रहता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। और साथ ही साथ क्योंकि आप लेग मसल्स का भी यूज़ करें, आपकी लेग भी टोन होनी शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड जरूर करिए, अच्छे रिजल्ट के लिए कुछ समय लग सकता है लेकिन मेहनत आपकी कभी खराब नहीं जाती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।